यदि मोदी जी ने बहुत काम किए देश में, मोदी जी ने बहुत बहुत काम किया, मोदी जी ने इतना काम किया है ना, देश वाहवा कर रहा है, देश क्या विदेश भी वाहवा कर रहा है। हमारे एक मिनट सुन लो, हमारे एक मिनट सुनोगे भाई, तो मैं आपकी सुन रहा था। कंट्रोल, मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, अगर दिल्ली में पानी भर जाता है तो बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता हल्ला मचाने लगते, कोई केजरीवाल लुटेरा है। ठीक है, आपके गुजरात को ये मॉडल बताते हैं, विश्व में इसका व्याख्यान करते हैं, गुजरात मॉडल, पानी में बह गया गुजरात। क्या बात कर रहे, और अभी तो रुको, कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल महंगा हो गया तो ये रोए, और इनके राज्य में क्या कहते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, तो पहले क्या कांग्रेस के पास पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप लगे हुए थे। दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ नंद भक्तों पर। दोस्तों आगे का वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मोदी की तारीफ कर रहे हैं अंकल को इन भाई साहब ने पूरा एक्सपोज कर दिया है, और इनको इतना शानदार जवाब दिया है कि जवाब सुनने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो बने रहे वीडियो में आखिर तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैडम ये आप कहते हैं ना, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कर्नाटक में कहते हैं गाय मारी थी रचने में, और कर्नाटक का एक गांव बह गया वायनाड। क्या तुम्हारे इसमें पिथौरागढ़, एक मिनट, पिथौरागढ़ और वगैरह उत्तर काशी वगैरह में जो बादल फट रहे हैं उसे क्या कहोगे आप? माँ तो कोई मीट भी नहीं खाता, ये आपका है ना, ये प्राकृतिक, आप ये प्राकृतिक आपका है कि नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ, मेरी मेरी बात सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर एक बयान देते हैं, वो कहते हैं 400 की बात करने वाले 240 पे सिमट गए, अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती है आज भाजपा के नेता अंदर होते। चुप रहेंगे आप, चुप रहेंगे आप, गजब बेइज्जती है। मतलब आप कहने, आपके कहने का मतलब है वो 220 पे सिमट गए और 220 और आती तो आज भाजपा के तमाम नेता जेल के अंदर हो। गुड क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब उसके पास 240 आई ना बीजेपी के पास में, और इसमें गठबंधन में कितनी पार्टियां मिली हुई हैं? बीजेपी में केवल एक पार्टी मिली हुई है, गठबंधन में 36 पार्टियां मिली हुई हैं। तो ये क्या बात करते हैं यार, बीजेपी में कम बात, बीजेपी के साथ 36 पार्टियां और जान कम है भाई साहब, 36 पार्टी है बीजेपी में और गठबंधन में 23 पार्टी है, 26 पार्टी है, 36 पार्टी है भाई साहब बीजेपी में। बात तो सही है, मैं बीजेपी की सरकार कैसे बनी आप ये बताओ ना, गठबंधन है ना, गठबंधन है ना, वो क्यों नहीं बना पाए, वो गठबंधन है ना, आप इसे क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं मानते आप, यूं कहते हैं अकेले जिसकी सरकार है उसका बहुमत है, लगता है तुम खा के ही मानोगे। 240 सीटें मोदी जी लाए, 99 सीटें राहुल गांधी की आई, बाकी विपक्ष की 233 आई, बताओ विपक्ष की जीत कहाँ से है, कहाँ से जीत है? और ये कहते हैं 99 सीटों वाले तो जीत की खुशी बना रहे हैं, और 200 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, 40 सीट वाले हार मना रहे हैं, तो अब ये सोचो का बता जीत किसकी है, अब एनडीए की टोटल किसकी है और किसकी है, और एनडीए की सरकार जो बनी है आज की डेट में 296 पे, बताओ 99 में कौन दावेदार है पीएम पद का, पीएम पद का दावेदार कौन है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, देखो भाई साहब बताओ, बीजेपी की सरकार बनी इससे हमें कोई दुख नहीं है, राहुल की नहीं बनी इसका भी हमें कोई दुख नहीं है। ठीक है सुनो, विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष जब तक देश में मजबूत होगा जब ही देश का भला हो सकता है। अरे रुक रहा, विपक्ष कहाँ मजबूत था, जा तू बोल ले कंट्रोल। आज मोदी जी इतने मजबूर हो चुके हैं ना कि कोई भी बिल पास नहीं करवा सकते, अगर ये इतने ही मजबूत होते तो ये 4-4 बिल इनके वापस नहीं होते। बात तो सही है, ये है कि विपक्ष मजबूत हुआ, देश के लिए ये तरक्की की बात है, देश के भले के लिए बात है, क्योंकि अब मोदी या बीजेपी, मैं ये नहीं कहता मोदी, बीजेपी जो सरकार है अब अपनी मन मर्जी से बिल पास नहीं करा पाएगी। देखो एक मिनट, बीच में ना बोल, अब बीजेपी तो जो बीजेपी को मानेगा वो आदमी है, वो हिंदुस्तानी है, जो बीजेपी को नहीं मानता वो पाकिस्तानी है और जानवर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रह गई राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से, लोग बाग पप्पू कहते हैं उन्हें, अच्छी बात है उनकी नज़र में पप्पू होगा, कोई बात नहीं, राहुल ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की है मैडम जो गलत हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।